क्वेश्चन नंबर वन से लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस तो देखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की बात कर रहा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इनमें से कौन से फॉर्मूला से डिनोट करेगा तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था देखो क्या है हमारा कंसेप्ट कि हम जो हमारे मटेरियल के ढूंढते हैं हम लोग प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो प्राइस को यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा रेट से और जहाँ पे हम क्वांटिटी लिखते हैं क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर्स के साथ तो यहाँ पे आर्स आएगा यहाँ पे रेट आएगा लेबर एफिशिएंसी एफिशिएंसी इज रिलेटेड विद योर क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी को यहाँ पे हम लोग आर्स के साथ लेंगे तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट ठीक है बहुत सिंपल है एक आपका एल आर वी लेबर एफिशियंसी वेरियंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आर्स फिर एक आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस तो अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल एक्चुअल आर्स स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाय योर स्टैंडर्ड रेट ठीक है आर से इधर मैंने गलती से ऊपर आर लिख दिया फिर तीसरा हमारा होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस बहुत सिंपल स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस दूसरे ब्रैकेट में एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट तो दिज आर योर फॉर्मूलाज फॉर लेबर तो यहां पे हमें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा है तो राइट right आंसर बनेगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय रेट नेक्स्ट पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस बाई द बीईपी विल अगर आपका सेलिंग प्राइस अगर बढ़ता है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा ब्रेक इवन पॉइंट आपका इंक्रीज होगा जैसे ही आपका सेल्स बढ़ेगा आपका बीईपी भी इंक्रीज होते जाएगा तो दैट इज द सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने काफी सिंपल है ध्यान से देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है आपके सामने हंड्रेड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है फोर्टी तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा मैंने आपको सिंपल इक्वेशन बताया था अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें आंसर मिलता है कंट्रीब्यूशन ठीक है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है फोर्टी रूपीज सेल्स कितना दिया हुआ है सेल्स से हमारे पास सिक्सटी हंड्रेड रुपीज तो हंड्रेड में से अगर हम फोर्टी को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा सिक्सटी आएगा एंड दिस सिक्सटी विल बी कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट तो इसका राइट right आंसर आपका बनेगा रुपीज सिक्सटी पर यूनिट तो वेरी सिंपल टाइप ऑफ कैल्कुलेटिव क्वेश्चन ऑल्सो एडेड ताकि आपके ये कंसेप्ट और क्लियर हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं डब्ल्यू आई पी लेजर बैलेंस शोज डब्ल्यू आई पी इज वर्क इन प्रोग्रेस दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट तो डब्ल्यू आई पी लेजर का जो बैलेंस होता है वो क्या शो करता है कॉस्ट ऑफ फिनिश वर्क कॉस्ट ऑफ अनफिनिश वर्क कॉस्ट ऑफ मटीरियल या नन ऑफ दी अब तो वो क्या शो करता है कॉस्ट ऑफ अनफिनिश वर्क जो काम चल रहा है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी बोल रहा है ठीक है ध्यान से देखो क्वांटिटी तो मैंने आपको क्या बताया था क्वांटिटी किससे रिलेटेड होता है क्वांटिटी रिलेटेड होता है आपके यूसेज के साथ तो मटीरियल यूसेज वेरियंस ठीक है एम यू वी एमयूवी यू से होता है क्वांटिटी याद रखना है तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला क्वांटिटी आएगा ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कॉस्ट एलोकेशन बेसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुड बी तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा ए बी सी ए बी सी इज़ वॉट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जिसमें हम कॉस्ट ड्राइवर्स कॉस्ट पुल ये सारे पॉइंट्स हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं so, तो कॉस्ट एलोकेशन बेसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो कॉस्ट को कैसे एलोकेट so, किया जाता है दैट इज एस पर कॉस्ट ड्राइवर्स तो कॉस्ट ड्राइवर्स के बेसिस पे उसको एलोकेट किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन नंबर सेवन प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू तो प्रोसेस कॉस्टिंग इनमें से कौन से इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होता है रिपेयर वर्क पेपर इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री या ऑल ऑफ दी अबाउ तो प्रोसेस कॉस्टिंग इनमें से पेपर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होता है बिकॉज पेपर के लिए बहुत सारे अलग अलग स्टेप से पेपर बनता है अलग अलग पॉइंट से पेपर बनता है तो वही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट द बैलेंस ऑफ द डब्ल्यू आई पी अकाउंट इज इक्वल टू टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड टोटल कॉस्ट ऑफ इनकम्प्लीट जॉब टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड एंड सोल्ड टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड तो इसका राइट आंसर है टोटल कॉस्ट ऑफ इनकम्प्लीट जॉब क्या है टोटल कॉस्ट ऑफ इनकम्लीट जॉब नेक्स्ट पॉइंट द पर्सन फॉर होम कॉन्ट्रैक्ट जॉब इज अंडरटेकन द पर्सन फॉर होम द कॉन्ट्रैक्ट जॉब इज अंडरटेकन उसे हम क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर या जॉब वर्कर तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टी ठीक है contractee. दो पर्सन होते हैं कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है और कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है मतलब मैं अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ तो आई एम द कॉन्ट्रैक्टर ठीक है तो आप आप मेरे कॉन्ट्रैक्टर बनोगे और मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट ही हूंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसे हम बायर सेलर कंजाइनर कंजाइनी ड्रॉवर ड्रॉवी वैसे बात करते हैं वैसे ही है वेन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस तो मैंने इसके लिए आपको रूल बताया था हमारा लेवल ऑफ कंप्लीशन का रूल है रूल नंबर वन कहता है अगर आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट ट्वेंटी फोर परसेंट तक है तो वो कंप्लीट प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर होगा ठीक है सेकेंड रूल कहता है अगर आपका प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव परसेंट से फोर्टी नाइन परसेंट के रेंज में आता है तो आप फॉर्मूला लिखेंगे वन थर्ड मल्टीप्लाइड बाय नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड ठीक है अगर आपका प्रॉफिट पचास परसेंट या उससे ऊपर रहा तो यही फॉर्मूला यूज कर रहा है सिर्फ आपको टू थर्ड लिखना है टू थर्ड मल्टीप्लाइड बाय नोस्टल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड यहां पे हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि वो ट्वेंटी परसेंट तक कंप्लीट है तो ट्वेंटी परसेंट हमारे फर्स्ट कैटेगरी में आएगा मतलब पूरा प्रॉफिट कहा जाएगा रिजर्व में जाएगा तो इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस की बात की है तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं जाएगा इसलिए आपका आंसर बनेगा नील तो नील विल बी दी आंसर फॉर This question. Next is 11th number ka question. The cost of contract is determined by preparing cost sheet, profit and loss, balance sheet, a separate ledger. So cost of the contract is determined by preparing a separate ledger. Hum contract account prepare cartena So that is the separate ledger we are preparing for finding out the cost of contract. Next is 12th number. Material purchases for a special job is accounted in. कॉस्ट लेजर कंट्रोल स्टोर्स लेजर कंट्रोल डब्ल्यू लेजर कंट्रोल या ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल तो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है डब्ल्यू लेजर कंट्रोल में रिकॉर्ड किया जाता है तो ये एमसीक्यूज में आपको बहुत सारे कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट के एमसीक्यूज मिलेंगे इसको ध्यान से रिवाइज कर लो बिकॉज यहां से भी पेपर में क्वेश्चन बन सकेंगे थर्टीन नंबर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू कंट्रोल द कॉस्ट थ्रू एस्टिमेटेड कॉस्ट

एलिमेंट्स ऑफ टारगेट कास्टिंग इनक्लूड कॉम्पिटिटर्स इन्फॉर्मेशन कॉस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस कस्टमर रिक्वायरमेंट्स ऑल ऑफ़ दी अबाउ तो राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबाव तो ऑल ऑफ द अबाव इज द राइट आंसर फॉर टारगेट कॉस्टिंग रिलेटेड एलिमेंट्स तो उसमें कॉम्पिटिटर्स इन्फॉर्मेशन भी आता है कॉस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस भी आता है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स भी आता है इसीलिए इसका उत्तर है ऑल ऑफ़ दी अबाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एबनॉर्मल गेन अराइज वेन एबनॉर्मल लॉस इज अवॉइडेड अवॉयडेड आउटपुट क्वान्टिटी इज मोर देन इनपुट देर इज रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस नन ऑफ द अबाउ तो एबनॉर्मल गेन कब आता है तो एबनॉर्मल गेन तभी आता है जब आपकी एक्चुअल आउटपुट जो होता है दैट इज आउटपुट क्वान्टिटी जो होती है वो मोर होती है इनपुट क्वांटिटी से जैसे कि हम अगर बात करें तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ देखो इनपुट समझो आपका इनपुट वन थाउजेंड है उसमें से आपने नॉर्मल लॉस माइनस किया नॉर्मल लॉस आपका सो है तो आपको आंसर मिलेगा नाइन हंड्रेड ठीक है नाइन हंड्रेड इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड आउटपुट ठीक है फिर हम एक्चुअल आउटपुट को देखेंगे अगर हम एक्चुअल आउटपुट को देखें तो एक्चुअल आउटपुट समझो हमारा एक्चुअल आउटपुट है ग्यारह ठीक है एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा ग्यारह अभी देखो एक्चुअल आउटपुट आपका मोर है तो आउटपुट क्वांटिटी मोर है इनपुट से मतलब ये ये जो अमाउंट ऊपर है नाइन हंड्रेड और ये जो अमाउंट है ग्यारह सौ ग्यारह सौ ज़्यादा है नाइन हंड्रेड से इसलिए आप अगर यहाँ पे आंसर देखोगे तो यहाँ पे आपका नाइन हंड्रेड में से अगर हम ग्यारह सौ माइनस करेंगे तो दो सौ आपको नेगेटिव बैलेंस मिलेगा इसी को हम कहते हैं एबनॉर्मल गेन तो दिस इज दी एबनॉर्मल गेन एंड दैट इज नेगेटिव पार्ट तो इसका राइट right आंसर बनेगा आउटपुट क्वान्टिटी इज मोर देन इनपुट क्वान्टिटी तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन टोटल फिफ्टीन एम सी क्यूज वी हैव डिस्कस इसी तरीके से प्रिपेरेशन्स करते रहेंगे इसी तरीके से रिविजन्स होते रहेगा अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिविजन भी दा रहे सेम सारे पी डी एफ्स आपको वहीं पर शेयर करने वाला हो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बाय बाय टेक केयर एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर